शंखपुर गांव में दो भाई रहते हैं, भोला और उमेश। भोला बचपन से ही अपने नाम की तरह भोला था। वो अपने भाई उमेश से बहुत प्यार करता था। गांव वालों का भी कहना था कि उमेश बचपन से ही उसके प्यार का भरपूर फायदा उठाता आया है। यहाँ तक के शादी भी पहले उमेश ने की, और शादी के बाद उमेश ही नहीं, उसकी बीवी भी उसे लक्ष्मण देवर कह कह कर उससे घर का ही नहीं, खेत का भी पूरा काम करवाती थी और खुद अपने पति के साथ रंगरलियां मनाती थी। सिर्फ खाना ही बनाकर वो अपने पति और भोला को खिलाती थी। जब उससे भी उसका जी उब गया तो उसने चाल चलकर भोला की शादी करवा दी कि रसोई का काम करने वाली भी आ जाएगी। अरे भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? खाना नहीं खाना क्या? तो आप क्यों बना रही हैं? आपने बहुत खिला दिया हमें, अब मोना आ गई है ना, ये बनाएगी। मोना, आज से तुम रोज दोनों टाइम की रसोई बनाओगी, जाओ। खाना बनाने से छुट्टी पाने के बाद सोनी भाभी दूसरी चाल चलती है। भोला मोना को आते देख वो आंगन में कपड़े धोने बैठ जाती है। देखते ही भोला कहता है, अरे भाभी, ये क्या कर रहे हैं आप? मोना, तुम्हारे रहते भाभी कपड़े धोएगी? नहीं, बैठो, आज से बिना कहे घर के सारे कपड़े धो देना, भाभी आप जाइए। उसके बाद जैसे ही उमेश और भोला काम के लिए निकलते हैं, मोना टिफिन देती है, तभी सोनी वहाँ आ जाती है। बड़े ही नखरे से कहती है, कहाँ जा रहे हो? मुझे तुमसे काम था। अरे, खेत पर पानी छोड़ना है, खेतों को निराना है, काफी घास वास उग गई है। भैया, भाभी को आपसे काम है, आप भाभी के पास रहो, पानी ही छोड़ना है, घास ही निराना है ना, मैं कर लूंगा। अरे, इतना काम आप अकेले कैसे कर लोगे? बड़े भैया को भी साथ आने दो, भाभी का काम आकर कर देंगे। देखो, भाभी का मन नहीं है। भैया, आप यहीं रुको, मैं काम करके आता हूँ। ठीक है, जैसा तुम कहो। मोना जब लगातार अपने पति को बेवकूफ बनकर काम करते और उसके भाई भाभी को आराम करते देखती है, तो आखिर एक रात वो भोला से कहती है, अजी, आज फिर खेत से आने में लेट हो गए। अरे, सिर्फ खेत का ही काम नहीं था, गाय भैंसों का चारा भी काटना था, उसका दूध निकालना था, डेयरी पर देने जाना था। इतना सब काम आप अकेले क्यों करते हो? भैया को भाभी से कुछ काम था ना, इसलिए। देखो, बार बार ऐसा नहीं चलेगा कि आप अकेले काम करते रहो और वो काम के बहाने भाभी के पास आराम करते रहे। पूरे गांव में कोई भाई ऐसा करता है क्या? जरा एक भी घर में पूछ कर बताओ, हर घर में सभी अपना अपना काम करते हैं। हम भी अपना अपना काम करते हैं। कहाँ करते हैं भाई साहब, तो रोज ही। तो क्या करूं, मैं भी काम नहीं करूं? नहीं, तुम काम करो मगर अपना काम करो, भाई साहब का काम भाई साहब को करने दो ना। भाई साहब का कौन सा काम? वही तो, ये तब पता चलेगा जब आप दोनों काम आपस में बांट लोगे। ऐसा कैसे हो सकता है? भाई साहब से आप कहो तो सही। नहीं नहीं, काम बांटने के नाम पर घर में बंटवारा हो जाएगा, हिस्सेदारी हो जाएगी। मैं भाई साहब से ऐसी बात नहीं कर सकता, और खबरदार जो दोबारा तुमने ऐसी बात की तो। ये तो बंटवारे की बात कर रही है। अच्छा हुआ, हमारा भोला बड़ा भोला है। मगर कब तक रहेगा? इसकी पकपक सुनकर एक दिन वो जरूर बोलेगा। मैं तो कहती हूँ, इससे पहले कि वो बोले, आप घर की चीजें आधी आधी बांट लो। हाँ, आधी आधी? वैसे आधी आधी नहीं, जैसे मैं कहूंगी वैसे आधी। भोला तो भोला है, उसे क्या समझेगा? एक बार बंटवारा हो गया तो बात खत्म। उमेश भोला को अपने कमरे में बुलाता है, बंटवारे की बात करता है।
उसके मुंह से बंटवारे की बात सुनकर भोला अपने भोलेपन में कह देता है, भैया मोना भी यही कह रही थी पर मैं आपसे कह नहीं पाया, कैसे कहता। कितनी इज्जत करता है ये हमारी। देखो जी, सब कुछ आधा आधा बराबर बटना चाहिए, हमारे प्यारे भोला को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, देखो भोला बंटवारे में हम आधा आधा ऐसा करेंगे, ये आंगन की तरफ का आधा घर तुम्हारा और आंगन के बाद का आधा घर मेरा, अब उसके बाद कुआं और ट्यूबवेल तेरा, पानी मेरा, खेत में उगी गन्ने गेहूं की फसल का ऊपरी भाग मेरा और नीचे का भाग तेरा है, हो गया ना सब कुछ आधा आधा, बोल मंजूर। देख अभी सोच ले, बाद में मुकर मत जाना है। मंजूर भैया, जब सब कुछ ईमानदारी से आधा आधा हो गया है तो क्यों नहीं मंजूर। और जब वो ये खुशी की बात जाकर मोना को बताता है तो वो उसकी ओर देखती हुई एकदम हैरान रह जाती है। अरे ये आपने कैसा बंटवारा मंजूर कर लिया, इससे आपको क्या मिलेगा। क्यों नहीं, सब कुछ तो आधा आधा है। ओफो, मगर किस काम का, ये आंगन की तरफ का आधा घर हमारा, हम क्या खुले आंगन में रहेंगे, कैसे रहेंगे आप ही बताओ, बारिश हवा तूफान उन सब का क्या, उसके बाद खेत का कुआं और ट्यूबवेल तुम्हारा, पानी उनका, ट्यूबवेल का क्या करोगे अगर उसमें से पानी ही नहीं निकलेगा, खेत में उगी गन्ने गेहूं की फसल का ऊपरी भाग उनका और नीचे का तुम्हारा। अरे गन्ने गेहूं के नीचे की जड़ लेकर क्या करोगे, उससे क्या बनेगा। अरे हाँ, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, आज तक वो तुम्हें बेवकूफ बनाते आए थे और आज भी तुम्हें बेवकूफ ही बना दिया। मैं अभी जाकर भाई साहब से बात करता हूँ। और वो जाकर अपने भाई से कहता है तो भाई साफ मना कर देता है कि तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, मैंने तभी तुमसे पूछा था, मंजूर है बाद में मुकर मत जाना, अब कुछ नहीं हो सकता। भोला आकर जब अपनी बीवी को ये बात बताता है तो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। आज पहली बार मुझे लग रहा है मोना, बचपन से ही मेरा भाई मेरे भोलेपन का फायदा उठाता आया है और शादी के बाद भाभी भी मुझसे भोला भाई कहकर मेरे भोलेपन का फायदा उठाती रही, अब क्या होगा, इस बंटवारे ने तो मेरी जिंदगी ही लूट ली, मैं कभी इतना कमा नहीं पाऊंगा कि अपनी जिंदगी सवार सकूं। चलिए शुक्र है आपको एहसास तो हुआ, वरना मैं कहती थी तो आप मुझे ही डांटने लगते थे। खैर अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि भाई खुद ही अपने बनाए जाल में फंस जाए। हम ऐसा क्या कर सकते हैं। दूसरे दिन जैसे ही उमेश घर से बाहर निकलना चाहता है, आंगन के दरवाजे में ताला लगा देख वो चौंकता है और पुकारता है, भोला भोला। जी भाई साहब। ये दरवाजे में ताला क्यों लगाया है। ये आंगन के मेरे हिस्से में है भाई साहब, मैं दरवाजे में ताला लगाऊं या दरवाजा तोड़कर फेंक दूं, मेरी मर्जी। अरे तो मैं घर से बाहर कैसे जाऊंगा हा? ये आपने बंटवारा करने से पहले सोचना चाहिए था। सुनकर उमेश गुस्से में उसे देखता है। शाम को वो खेत पर पहुंचता है तो देखता है कुएं पर से ट्यूबवेल ही गायब है। अरे कुएं का ट्यूबवेल कहाँ गया, बोला बोला। जी भाई साहब। अरे कुएं का ट्यूबवेल कहाँ गया। भाई साहब मुझे पैसे की जरूरत थी, ट्यूबवेल मैंने बेच दिया। तुमने मुझसे पूछे बगैर ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। ट्यूबवेल मेरे हिस्से में था भैया, मेरी मर्जी। अरे पर कुएं का पानी तो मेरा है, मैं खेत कैसे सींचूंगा और पानी कैसे निकालूंगा है। ये आपने बंटवारा करने से पहले सोचना चाहिए था। सुनकर उमेश गुस्से में उसे देखता है और वहाँ से चला जाता है। जब वो खेत पर पहुँचता है तो देखता है
गन्ने और गेहूं के खेत की फसल पकने से पहले ही पूरी तरह उखाड़ दी गई है। वो फिर चीखता है, भोला, ए भोला! जी भाई साहब। ये गन्ने और गेहूं की फसल पकने से पहले ही क्यों उखाड़ दी? मैंने तो मेरे हिस्से के गन्ने और गेहूं की जड़ उखाड़ी है भाई साहब। अरे बेवकूफ, जब तू जड़ ही उखाड़ लेगा तो फसल कैसे होगी? ये आपने बंटवारा करने से पहले सोचना चाहिए था। अरे मुझे माफ कर दे भोला, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। आज के बाद मेरी समझ में आ गया है कि जो भाई अपने भाई को धोखा देता है, एक दिन उसका वही धोखा उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है।